छोटे से भरोसों का, आपने कभी पानी में बहते भरोसे को देखा है? अगर नहीं तो ये जरा पुल देखिए आप, क्योंकि ये भरोसा जताया गया था कि लोग आराम से पुल का इस्तेमाल कर पाएंगे, सुविधा होगी। एक बार जब ये पुल टूटा तो फिर भरोसा दिया गया कि ये बहुत अच्छे तरीके से अब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। फिर ये पुल टूटा, फिर भरोसा दिया गया कि अब ये फिर जब पुल बनेगा तो कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। 1700 करोड़ पानी में किस तरह बह गए हैं, स्वाहा हुए हैं, 10 सेकंड में ये पुल जो है वो धड़ाम हुआ है। तो हमारा ड्रीम रहा, मैं यहाँ पहले पीपा पुल बनाना चाहता था और बाद के कालखंड में 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की और यहाँ एक फुल स्ट्रक्चर्ड पुल बनाने का सपना देखा। 2014 में इसको स्वीकृति दिलाकर शिलान्यास कराया। मैं क्या जानता था कि एक इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार में हो और पूरा इंजीनियरिंग ही फेल हो गया हो, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच ये दो जिलों को जोड़ने वाला था, भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला ये पुल बन रहा था, लेकिन ये जो विकास मॉडल है नीतीश कुमार जी का, ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। यहाँ भ्रष्टाचार के चलते ये सारे पुल ध्वस्त हो गए। और इसके साथ साथ मैं अभी कई जगह घूम रहा हूँ, पहले पता नहीं चलता था, पुल तो कई जगह ध्वस्त हुए हैं। मैं पूर्णिया में था, पूर्णिया में चार चार जगह इस तरह पुल ध्वस्त हुए। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग पूरी तरह फेल है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो इंजीनियर अपने आप को कहते हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।